स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जाने वाले लवासा सिटी में। तो कहते हैं ना, मंजिल खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन रास्ते खूबसूरत होने चाहिए। और यहाँ के रास्तों में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। ये है टेमगढ़ डैम। यहाँ से लवासा की दूरी मात्र 16 किलोमीटर की रह जाती है। लवासा की दूरी पुणे से 50 किलोमीटर और मुंबई से 180 किलोमीटर है। जब आपको ये गेट दिखाई दे, तब समझ जाना कि लवासा की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की बची है। इस 3 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए आपको हाफ आवर तो लगने ही वाला है, क्योंकि रास्ते में आने वाले ऐसे खूबसूरत नजारे को कौन मिस करना चाहेगा। यहाँ से देखने पर पता चलता है कि पूरी सिटी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। इस सिटी में एंट्री करने से पहले आपको पार्किंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। एक बार आपने यहाँ पे पार्किंग चार्जेस पे कर दिए, तो पूरे लवासा सिटी में आप कहीं पे भी पार्क कर सकते हो। आपको कोई पार्किंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं रहेगी। एंट्री करते ही हमको एक खूबसूरत बिल्डिंग के नजारे दिखना शुरू हो गए थे। तो इस सिटी में हमें कई ब्यूटीफुल विलास दिखाई दिए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज दिखाई दी। इस ब्रिज से पूरे लवासा का बेहतरीन व्यू दिखाई देता है। अपार्टमेंट तो ऐसे जिस तरह हम फॉरेन की वीडियोस में देखते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, इस सिटी में एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हमें नेशनल इंटरनेशनल स्कूल भी दिखाई दिए। तो अभी हम आगे मेन जगह पे लवासा टाउन हॉल, इसी के पीछे हम घूमने वाले। पूरे सिटी में इसी जगह पे हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती है और खाने पीने की दुकानें दिखाई देती है। और ये खूबसूरत व्यू, यहाँ पे हमने लगभग आधा एक घंटा बिताया। यहाँ पे हमने फोटोज निकाले और ये खूबसूरत नजारे देखे। यहाँ पे जो स्टेयर्स बनी हुई है, उसका भी कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं सिमिलर मिल जाता है फॉरेन की जैसा। और इस तरह के स्टेयर्स के कंस्ट्रक्शन आपको जगह जगह पर यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमें ये बोट दिखाई दी और इसे देखने के बाद हमें एक चूल आ गई कि ये बोट कहाँ से छूटी है ये देखने की। और चल दिए हम ये बोट जहाँ से आई थी उस तरफ। मैंने कहा कि यहाँ की बिल्डिंग्स हो गई या फिर यहाँ की विलाज हो गई, ये फॉरेन की जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लवासा सिटी इटली के पोर्टोफिनो सिटी की तरह बनाई गई है। इस जगह पर ये सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन आधे से ज्यादा तो बंद ही थी। शायद सैटरडे संडे को ओपन होती होगी। जो खाने पीने की शॉप्स है वो भी आधे से ज्यादा तो बंद ही थी। आप नज़ारे देखो, और साथ ही साथ मैं आपको इस जगह की थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जो लवासा सिटी है, ये पूरा प्रोजेक्ट 1.47 लाख करोड़ रुपीस का था। और ये पूरी सिटी 25,000 एकर्स में बसी हुई है। और हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, ये पूरी सिटी प्राइवेट है। इसे SCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाना शुरू करा था, लेकिन यहाँ से पूरा वीडियो रूप बदलने वाला है। ये जो प्राइवेट सिटी बनाने का पूरा मॉडल था, ये आज के डेट में पूरा का पूरा फेल हो चुका है। क्योंकि जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी SCC, उसने प्रॉपर परमिशन नहीं ली हुई थी और कुछ लीगल इश्यू भी आ रहे थे। इस पूरी सिटी में आपको लोगों से ज्यादा तो बिल्डिंगें दिखाई देती है, इसलिए इसको घोस्ट टाउन भी बोलते हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है वो काफी क्लीन है और देखने लायक है। तो बस यही था अपना लवासा टूर। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, काफी क्लोज है, करवा दो।